नमस्कार, मैं हूँ मीठी और मैं हूँ अनुराग। किशोर का शोर, एक नए धूम, एक नई आवाज, एक नए खेल के साथ। हमें हजारों की संख्या में चिट्ठियाँ आ रही, लोगों को बहुत मजा आ रहा है और पुरानी धारणाएं टूट रही हैं। सच के डब्बे में कल तक जो आने से डरते थे, अपना नाम गुप्त रखना चाहते थे, वो आज हमारे सामने खुलकर आना चाहते हैं। और आज सच के डब्बे में एक नहीं दो लोग हैं, संजय और सौम्या, जिनकी समस्या कुछ एक जैसी ही है। तो हमारे खेल की आज पहले प्रतियोगी है तनु। तो स्वागत कीजिए हमारे दूसरे खिलाड़ी का और उनका नाम है राकेश। अब सबसे पहले सच के डब्बे में अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं संजय। मेरा नाम संजय, मेरी उम्र 15 साल है। मैं बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता। एक दिन मेरे दोस्त मुझे पार्टी में ले गए। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी। मैंने ना किया तो उन्होंने मेरा मजाक बनाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुझसे कभी कोई लड़की नहीं पटेगी, सब तुझे बच्चा समझेंगे। मैंने उस दिन एक सिगरेट फूंक ली। फिर मुझे एहसास हुआ जो मैंने उस दिन किया बहुत गलत किया और अब मुझे लत लग गई। मैं क्या करूं? तो अब हम संजय की समस्या से संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे और हमारा पहला प्रश्न पूछेंगी हमारी ANM दीदी। आपने अभी देखा, संजय अपने दोस्तों को सिगरेट के लिए मना नहीं कर पाया, तो दोस्तों को ना कहना सही है या नहीं? नहीं, देखिए दोस्तों को ना बोल पाना गलत है। अब वो क्या सोचेंगे कि हम उनके दोस्त नहीं हैं? अब थोड़ी उनकी बात मान ली, उनको गलत काम में साथ दे दिया, तो इतना क्या सोचना? समय बदल रहा है। आपका जवाब गलत है राकेश। देखो, दोस्तों को ना कहना इतना मुश्किल भी नहीं है और ना कहने से आप बदतमीज नहीं हो जाते। बहुत प्यार से समझाने से ये टाला जा सकता है और आपके जो अच्छे दोस्त हैं वो आप पर जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे, आपकी ना को भी समझेंगे। अब दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि तंबाकू बीड़ी पीने से लोग आपको बड़ा मानेंगे, आपको लोग गंभीरता से लेंगे, सही या नहीं? सही। देखिए, हम लोग पान की गुंटी पर मिलते हैं, वहाँ बीड़ी वगैरह पीते हैं और छोटे लड़के हमसे डरते हैं। वो सोचते हैं कि हम बड़े लड़के हैं, जवान हैं, ताकतवर हैं। तुम गलत हो राकेश। तुम बड़े हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम सोच विचार से, शरीर से बढ़ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ में बीड़ी या सिगरेट उठा लो। ऐसा करके तुम सिर्फ अपनी गैर जिम्मेदारी दिखाते हो। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि हाथ में बीड़ी सिगरेट ले ली। ये तो तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अक्सर देखा जाता है कि तुम्हारी उम्र के लड़के अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपना रुतबा जमाने के लिए हाथ में बीड़ी या सिगरेट उठा लेते हैं या फिर किसी और तरह से गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तंबाकू का सेवन करने लगते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सब से सिर्फ तुम्हारी हानि होती है। यूं ही दिखावा करते करते कब इसकी लत लग जाएगी पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की नज़रों में ऊँचा उठे तो हाथों में जिम्मेदारी उठाइए, सिगरेट या बीड़ी नहीं। अब सच के डब्बे में अपनी समस्या लेकर आ रही है सौम्या। हमारा नाम सौम्या है, हम 16 साल के हैं। हमें स्कूल ख़त्म होने के बाद अपनी सहेली के घर जन्मदिन पर जाना था। वहाँ पर हमें एक लड़का मिला जो हमारे पीछे पड़ गया कि हमें घर तक छोड़ देगा। हमने उसे लाख मना किया मगर वो माना ही नहीं और उसी बहाने से हमें छूना चाहा। डर से गए थे, सहम गए थे। उसने हमें छूमा, इधर उधर छुआ भी। हमें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन हम करते भी क्या। मगर हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि हमने उसे रोका क्यों नहीं, मदद के लिए किसी को चिल्लाए क्यों नहीं।
हल्ला क्यों नहीं मचाया? जैसा कि अभी हम सब ने देखा और सुना, संजय और सौम्या किशोरावस्था के बहुत ही नाजुक मुद्दे से जूझ रहे हैं। दोस्तों के साथ क्या व्यवहार करें, क्या नहीं, कितने आजाद हों, कितने नहीं, कितना जोश में पहे और कितना होश में रहे, ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब ढूंढना उतना ही जरूरी। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न। सौम्या डर से उस लड़के को कुछ भी नहीं कह पाई, तो क्या ये सही था? क्या चुप रहना ही बेहतर है, सही या नहीं? नहीं, ये सही नहीं है। चुप रहना, सहना, ये भी गलत है। हम लड़कियां डर कर चुप हो जाती है क्योंकि सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है। वो एक बार करेगा, दूसरी बार भी करेगा और करता रहेगा। तनु, तुमने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। उस लड़के ने जो किया गलत किया। इस उम्र में लड़के लड़कियों में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत बदलाव आ रहे होते हैं। हॉर्मोन्स में बदलाव होने की वजह से एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक है। एक दूसरे के पास आने का मन करता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, आकर्षण दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा नहीं। आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लड़की के मुंह से ना सुनने और समझने की हिम्मत लड़के में होनी चाहिए और लड़कियों को सहमना नहीं चाहिए। जो भी गलत लगे उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, बिना ये सोचे कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा, उनसे क्या कहेगा। तो आज की हमारी शो की विजेता है तनु। तो सच का डब्बा आपका इंतजार करेगा। तो मन के सारे विकारों को दूर कीजिए, हिचकिचाइए नहीं, हम आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये बस आपकी आवाज पहुंचाने का एक जरिया है। सांझ हो या भोर, अब हर समय गूंजेगा।